एंड स्पोर्ट्स की आईसीई 511 एमटी। तो गाइज आज हमारे पास में है, आपको दिखाते हैं, अमेजोन से की है ऑर्डर। तो गाइज मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए मैं आपको इसका फुल जो रिव्यू होता है वो देता हूँ। और मैं एक पीसी बिल्ड कर रहा हूँ जिसके लिए मैंने ये कैबिनेट परचेज की है, और धीरे धीरे आगे मैं और सारे कंपोनेंट्स इसके परचेज करूंगा। तो उसकी अनबॉक्सिंग वीडियो आप इस चैनल पे देखने के लिए पाएंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटे को ऑल पे कर दीजिए, जिससे हमारी सारी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। आप अगर आगे भविष्य में कोई पीसी बिल्ड करना चाहते हैं तो आपको एक नॉलेज होगा जिससे आप अपना एक पीसी बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइस चलो शुरू करते हैं अनबॉक्सिंग और आपको दिखाते हैं किस तरह का पैकेजिंग है। एक तो मैं इसकी पैकेजिंग की बात कर लेता हूँ। अमेजोन दिस इज अ वेरी वेरी ट्रस्टेड वेबसाइट फॉर, आप बहुत अच्छे से इसको परचेज करते हैं हर सारा सामान। एंड अमेजोन से मैंने इसको मंगाया, इसकी पैकेजिंग वेरी वेरी बेटर है। एंड आप खुद देख सकते हो कहीं से भी दवा नहीं है या कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है। बस इसके अंदर जो कंपोनेंट्स है या जो इसके अंदर सामान है वो अच्छा होना चाहिए। इसके लिए मैं आपको इसका फुल रिव्यू दूंगा और आपके साथ ही मैं इसको अनबॉक्सिंग करूंगा, जिससे आप देख सकते हो अभी बिल्कुल सील हो रखी है ये, और इधर से भी देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे ही है, बट इससे कोई वो नहीं है, ठीक है। और आप चलिए मैं आपके साथ ही इसको अनबॉक्सिंग करता हूँ एंड इसको आपका फुल रिव्यू देता हूँ। तो गाइस इसकी पैकेजिंग वेरी वेरी बेस्ट है एंड इसके अंदर हमें एंड स्पोर्ट्स की जो कैबिनेट देखने को मिल जाती है, और इसका भी एक ऊपर से कवर है बॉक्स है जिसको हम निकालेंगे बाहर और आपको दिखाएंगे। तो चलिए निकालते हैं इसको। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे एंड स्पोर्ट्स की आईसीई 511 एमटी है, ठीक है। ये कैबिनेट है एंड स्पोर्ट की तरफ से ये आती है, और इसकी पैकेजिंग अमेजोन की तरफ से बहुत ही अच्छी थी। पहले वो बड़ा वाला बॉक्स है, आप देख सकते हो, ये देखिए आप ये बड़ा वाला बॉक्स, इसके अंदर फिर ये वाला बॉक्स निकला है। इसको हम ओपन करेंगे।
तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हो अपनी एंट स्पोर्ट्स की 511 एमटी जो कैबिनेट है वो हमारी अनबॉक्सिंग हो गई है, अनबॉक्स हो गई है, जिसके मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे थ्री आरजीबी फैंस दे रखे हैं 120 mm के, और एंड यहाँ पे आपको एक एग्जॉस्ट पीछे की तरफ से फैन देखने को मिल जाता है 120 mm का, और ये इसका टेम्पर्ड ग्लास है, एंड ये इसकी झिल्ली लगी है जो मैं अभी नहीं छुटाऊंगा, और यहाँ पे लिखा हुआ इरेगल हैंडल विथ केयर। आप इसको बहुत ही सावधानी से केयर करिएगा, क्योंकि ये ग्लास टेम्पर्ड ग्लास है, बहुत ही नाजुक सा होता है। और मैं आपको दिखाता हूँ इसकी ब्रांड, इसका जो क्वालिटी है वेरी वेरी बेस्ट, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है इसकी। और यहाँ पे आपको एक मैग्नेटिक सीट देखने को मिल जाती है, जिससे आप अपना डस्ट वगैरह कवर करने के लिए, और यहाँ पे आप अपने दो फैंस अमाउंट दो अगर आप 120 mm के फैन लगाते हो तो आपको बहुत ही सावधानी से लगाना है, और 120 mm के फैन यहाँ पे दो भी लग जाएंगे, 140 mm के भी आपको यहाँ पे दो फैन लग जाएंगे। तो गाइज यहाँ पे एक हमको पावर ऑन ऑफ का बटन दे रखता है, यहाँ पे एक LED का है, और यहाँ पे 3.0 mm का एक पोर्ट दे रखा है, 2.0 mm का एंड 2.0 mm के दो पोर्ट दे रखे हैं, और यहाँ पे हेडफोन जैक वगैरह सबकी देखिए यहाँ पे एंटी स्पोर्ट्स की ब्रांडिंग हो रखी है, स्पोर्ट्स की ब्रांडिंग हो रखती है जैसा कि आप देख सकते हो। मैं अपना गिम्बल थोड़ा नीचे की कर लेता हूँ जिससे आपको आसानी से दिख सके। हाँ, जैसा आप देख सकते हो यहाँ पर ब्रांडिंग दे रखी है, 3 फ्रेंड्स हैं एंड बहुत अच्छी क्वालिटी है। यहाँ पे आप देख सकते हो वेरी बेस्ट क्वालिटी है, इधर भी आप देख सकते हो। यहाँ पे आप अपनी पावर सप्लाई SMPS रख सकते हो, यहाँ पे आप अपना अगर चाहो तो AIO भी लगा सकते हो 120 mm फैन के साथ आने वाला, और ये टेम्पर्ड ग्लास दे रखा है आपको, ये आप यहाँ से इसको ओपन कर सकते हो, लेकिन मैं अभी ओपन नहीं करूंगा इसको, और बहुत ही अच्छी कैबिनेट है। इसके अंदर केबल्स मिल जाती हैं आपको अपने PC बिल्ड करने के लिए, और बहुत ही अच्छी कैबिनेट है ये। अब इसके जो और पार्ट्स हैं अपने मुझे अपने PC बिल्ड करने के लिए, मैं वो जल्दी से आपको रिव्यू लेकर आऊंगा और आपके साथ शेयर करूंगा, जिससे आप अपनी वीडियो या आप अपनी वीडियो एडिटिंग के लिए PC बनाना चाहते हैं, गेमिंग के लिए PC बनाना चाहते हैं, सबसे बेस्ट कैबिनेट है ये अंडर 5000 रुपीज, और केबल मैनेजमेंट बहुत अच्छी देखने को मिल जाती है, क्वालिटी बहुत अच्छी देखने को मिल जाती है। आप इसके अंदर बड़े से बड़ा 3 फैन वाला 3090 RTX NVIDIA की तरफ से जो आता है, AMD वाला कोई भी ग्राफिक कार्ड आप इसमें लगा सकते हो, 3 फैन वाला भी आप इसमें ग्राफिक कार्ड सपोर्ट कर जाएगा, और अंदर बहुत सारी केबल्स हैं जैसा कि मैंने आपको बताया। मैं इसको ओपन इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि जब मैं सारा सामान मंगा लूंगा इसको बिल्ड करने के लिए तब मैं इसको ओपन करूंगा। तो गाइस इतना ही था कि हमारी इस वीडियो में।